देखिए कि आप लोग को जो है 14.2 में जो है सभी बच्चे को आप लोग आधार वेरिफिकेशन कर पाएंगे। सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ पे जो है प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग को इस तरह से पेज खुलेगी और खुलने के बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग सर्च कीजिए कि यहाँ पे जो है पोषण ट्रैकर लिखिए। इस तरह से सर्च करेंगे तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है पोषण ट्रैकर दिया गया है। आप लोग यहाँ से अपडेट कर लेंगे और इसमें जो है आसानी से जो है अब यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आसानी से पेरेंट्स हो या गार्जियन हो किन्हीं का भी आप लोग क्या कीजिए कि आधार डाल के आप लोग वेरीफाई कर लीजिए। सबसे पहले तो देखिए कि इसको इंस्टॉल होने दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद हम लोग देखेंगे एक गार्जियन को जो हो उनका जो आधार डाल के आप लोग वेरिफिकेशन करके आप लोग को भी दिखाएंगे। जैसे कि आप लोग देखिए कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट नंबर देखिए कि अभी भी आप लोग को जो है अपडेट आई है। फर्स्ट नंबर देखिए कि आधार अपडेट यानी कि मॉड्यूल फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियन, और दो नंबर है माइनर बग फिक्सेड यानी कि जो है आधार जो है आप लोग अपडेट कर पाएंगे यानी कि इस मॉड्यूल में, यानी कि पेरेंट हो या गार्जियन यानी कि किन्हीं का भी आप लोग आसानी से जो है आधार वेरिफिकेशन कर पाएंगे। और माइनर बग फिक्सेड यानी कि कुछ प्रॉब्लम होगा इसमें जो है सुधार कर दी गई है। सबसे पहले देखिए कि इस तरह से आप लोग ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो देखिए कि आप लोग को इस तरह से पेज खुल जाएगी। खुलने के बाद आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है बेनिफिशरी है। बेनिफिशरी में जाने के बाद आप लोग को तो आइए किन्हीं का भी हो यानी कि 0 से 6 माह का बच्चे हो या 6 माह से 3 साल वाले बच्चे हो या 3 साल से 6 साल वाले बच्चे, इनका होगा माँ या पिता या किन्हीं का भी गार्जियन, किन्हीं गार्जियन का हो आप लोग आसानी से जो है आधार वेरिफिकेशन कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए कि अगर मान लीजिए कि 0 से 6 माह का बच्चे हो या 6 माह से 3 साल के बच्चे हो यानी कि किन्हीं पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले देखिए कि इस तरह से खोजना होगा आप लोग को कि इनका आधार है या नहीं, उनका पेरेंट्स का आधार लगाना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि इस तरह से जो है आप लोग को पेज खुलेगी। खुलने के बाद आप लोग को देखिए कि यहाँ पे जो है मान लीजिए कि एक बच्चा का हम लोग या इनका पेरेंट्स का हम लोग डालते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक कीजिए और करने के बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप लोग को जो है चाइल्ड डज नॉट हैव आधार यानी कि आप लोग को जो है यस कर देना है। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे जो है आधार नंबर फॉर मदर या आप इनके फादर का करना चाहते हैं तो इनका फादर के लिए आप लोग को यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो फादर हो या गार्जियन किन्हीं का हो आधार कार्ड आसानी से वेरिफिकेशन कर पाएंगे। जैसे कि देखिए कि इनका वेरीफाई करने के लिए हम लोग अभी इनका माता का होता तो डायरेक्ट माता का डाल के आधार वेरिफिकेशन कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर इनका पापा का है तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे। इस तरह से इनका पिता का जो है आधार हम लोग ने डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद क्या करेंगे कि आप लोग को जो है इस तरह से क्लिक कर देनी है और लास्ट में आके आप लोग को क्या कर देनी है कि यहाँ पे सबमिट मार देनी है। जैसे सबमिट मार देंगे तो ये जो है आप लोग को जो है रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगी और बैक हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग को बैक हो जाएगी। बैक होने के बाद आप लोग को जो है फिर पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद यहाँ पे देखिए कि आधार जो है आधार वेरिफिकेशन है, वेरीफाई आधार, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए कि श्रेया कुमारी के नाम से अभी हमने आधार डाला है और इस तरह से क्लिक करेंगे और डायरेक्ट यहाँ से जो है वेरीफाई आधार करेंगे। और जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि आधार वेरीफाई कंप्लीटेड ले लिया और आप लोग को जो है आसानी से जो है उनका पेरेंट्स हो या गार्जियन किन्हीं का भी आधार वेरिफिकेशन आप लोग आसानी से कर पाएंगे। देखिए कि इस तरह से हमने आधार वेरिफिकेशन किया और यहाँ पर बेनिफिशियरी में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि अभी हमने श्रेया कुमारी के नाम से अभी जो है अभी आधार वेरिफिकेशन किए हैं आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए किस यहाँ पे तो सलोनी है, यहाँ पे आने के बाद नीचे थोड़ा सा आने के बाद यहाँ पे श्रेया कुमारी के नाम से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है किन्हीं का हो यानी कि बच्चा हो या 6 माह से 3 साल के बच्चे हो, किन्हीं का भी फर्स्ट नंबर में आप लोग को 3 डॉट पे जाना है। यहाँ पे आप लोग को क्लिक करके और प्रोफाइल अपडेट में जानी है। प्रोफाइल अपडेट में आने के बाद आप लोग को क्या करना है कि आधार यानी कि किन्हीं का हो, बच्चा का तो आप लोग को नहीं होगा यानी कि इनका जो है नहीं होगा तो आप लोग को यस कर देनी है। यस करने के बाद आप लोग क्या करेंगे इनका मदर का आधार कार्ड है आधार डाल देंगे। उसके बाद अगर इनका मदर का नहीं है तो इनका पिता का डाल के आप लोग आसानी से जो है इस तरह से सबमिट मार देंगे तो आप लोग को जो आधार वेरिफिकेशन हो जाएगी। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आसानी से जो है अब आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए सभी आंगनबाड़ी शेप का और आसानी से जो है आप लोग को THR भी कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग का जो है आज का वीडियो था यानी कि 14.2 में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आधार का, आप लोग आधार वेरिफिकेशन कीजिए। तो थैंक यू, हमारे वीडियो में निकले धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।